अभी हम आए हुए हैं 0 माइल अखाड़ा घाट में, और अखाड़ा घाट में कैसे इंस्टॉल करना है, डाइकिन का स्पीड ऐसी है और डेढ़ टन का है तो इंस्टॉल करना है, तो हम साइड पे आ गए हैं, कस्टमर के घर पे ही अभी हम हैं। और सामने 0 माइल और अखाड़ा घाट रोड है बीच में, और आउटडोर यहाँ पे भी रखा हुआ है, इंडोर को ऊपर ले गए हैं, इंडोर कहाँ पे लगाना है, आउटडोर कहाँ पे लगाना है, सो चलिए दिखाते हैं। यही एसी है जो कि 5 स्टार है, इसका मॉडल है FTKM, और ये 1.5 टन का है, इसको इंस्टॉल करना है यहाँ पे, ये जस्ट बोर्ड के बाजू में यहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि आउटडोर भी जो है आउटडोर इस कोने में साइड में लगाना है, तो वहाँ आउटडोर लगाने के लिए पाइप जो है बैक टू बैक निकालेंगे तो यहाँ आना चाहिए, तो आउटडोर वहाँ पे लगेगा, तो इसके लिए भी प्लेट लगाते हैं और फिर दिखाते हैं, प्लेट लगाते हैं इंडोर का फिर दिखाते हैं। प्लेट ठोक दिए हैं, प्लेट ठोक करके देखिए होल भी कर लिए, होल भी स्लोप में किए हैं, बैक साइड में डाउन है, तो होल एकदम बराबर 3x3 का होल हो गया है, और पीछे साइड से दिखाते हैं, अभी अंदर बराबर हुआ है तो बाहर में क्या होता है कि ज़्यादा थोड़ा सा टूट जाता है, तो बाहर दिखाते हैं, बाहर में इस तरीके से थोड़ा सा साइड से झड़ गया है, तो ये टूट गया है बाहर में, तो अभी यहाँ से पाइप बैक टू बैक एसी का बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये साइड में आउटडोर लगाएंगे और यहाँ पे आउटडोर लगा के एसी रखेंगे। आउटडोर भी स्टैंड भी बन गया है, बस अब इसका स्टैंड ठोकेंगे, उसके बाद इंडोर का प्लेट ठोक दिए हैं, होल भी हो गया है, अब स्टैंड ठोकेंगे, उसके बाद पाइपिंग करेंगे। होल खोलने के बाद यहाँ पे स्टैंड भी ठोक दिए है, देखिए ये आउटडोर का दोनों स्टैंड लग गया है और बाजू में होल है, आउटडोर अब इस पे चढ़ाएंगे, उसको चढ़ा दिए हैं, जगह पे आउटडोर सेट हो गया है, अब इंडोर का पाइप वायरिंग पहले कर लेंगे, उसके बाद इस इंडोर को भी सीधा बैक टू बैक निकाल देंगे, और उसके बाद इसका फ्लेयर बनाएंगे पाइप का, उसके बाद पाइप लगाएंगे, तो अभी आउटडोर यहाँ पे टाइट हो रहा है, आउटडोर जगह पे फिक्स हो गया है, और ऊपर से लगभग 5 इंच जगह छोड़े हैं, क्योंकि कभी भी कंप्लेन में रिपेयर करने के लिए जगह रहेगा ऊपर। इसका काम कंप्लीट हो गया है, इंडोर लग गया है जगह पे, और देखिए किस तरीके से इंडोर दिख रहा है, इसमें पानी डाल के भी चेक कर लिए हैं, पानी भी बराबर सीधा निकल रहा है नीचा, तो ड्रेनेज का कोई दिक्कत नहीं है, वो चेक कर लिया, ऐसे भी दिक्कत नहीं था, मगर चेक कर लिए है पानी डाल करके, अब इसका पाइप का फ्लेयर बनाएंगे। इंडोर आउटडोर का पाइप कनेक्शन हो गया है, पूरा पाइपिंग हो गया है, देखिए ये पाइप ज़रा सा भी हिल नहीं रहा है पूरा, इसको सैडल भी यहाँ पे मार दिए हैं, और बाकी बात टाई से बांध करके, मतलब पाइप इतना टाइट कर दिए कि पाइप हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो पाइप कभी भी इंस्टॉल करना चाहिए तो ऐसा कि पाइप हिले ना, और पाइप पाइपिंग करने के बाद, कॉपर पाइप का पाइपिंग करने के बाद यहाँ पर वैक्यूम का काम शुरू कर दिए हैं, अभी वैक्यूम हो रहा है, वैक्यूम होगा जब तक इसका वायरिंग कर लेते हैं, और वायरिंग करने के बाद इसका गैस खोलेंगे और उसके बाद फिर चालू करेंगे, उसके बाद लास्ट में सब चालू करने के बाद लास्ट में इसमें वाइट सीमेंट भरेंगे। काम कंप्लीट हो गया है, वैक्यूम अब बंद करेंगे, 10-15 मिनट से होल्ड पे था, वैक्यूम हो रहा है 10-15 मिनट से, और इसका वायरिंग जो है वायरिंग भी कम्प्लीट हो गया है, ये है इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन वायर है, और ये पावर सप्लाई, पावर सप्लाई इसमें आउटडोर पे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में ही इंडोर है, तो ऐसे इंडोर में भी दे सकते हैं, मगर ये कंपनी के रूल के हिसाब से यहाँ पे पावर सप्लाई आउटडोर पे ही आता है, तो सप्लाई पावर सप्लाई जो है आउटडोर पे दे दिए हैं। अभी वैक्यूम बंद करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, उसके बाद गैस खोलेंगे, लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे।
पहले डिस्चार्ज वाला ये खोलेंगे, डिस्चार्ज वाला खोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी बढ़ेगा हल्का हल्का। लीकेज नहीं है, ओके है। अब इसका चार्जिंग लाइन भी खोल लेते हैं। चालू कर दिए हैं और अभी रिमोट से, रिमोट का इसका एमसीबी से ऑन हो गया है, अब रिमोट से ऑन करेंगे इसको। फैन बंद कर दीजिए। आ रहा तो निकाल के दे रहा। हाँ जला दीजिए। व्हाइट सीमेंट भी यहाँ पे लगा दिए हैं और काम कंप्लीट हो गया है। एसी भी चालू हो गया है, एकदम हल्का साउंड है। आउटडोर का जो है साउंड एकदम हल्का है। देखिए पत्ता हिल रहा है ना, उससे पता चल रहा है कि ये आउटडोर चल रहा है।